नमस्कार साथियों, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। इस संदर्भ में पहले ही आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं और इनसे जुड़े वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपकी जानकारी हेतु चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि यदि आप प्रोबेशनर है तो आपके वेतन से कितनी GPF अभिदान की राशि प्रत्येक माह काटी जाएगी। तो साथियों, जानकारी देने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम वो आदेश जो राजस्थान राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका विषय है प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक में से मासिक कटौती करने बाबत। तो साथियों, यहां से क्लियर हो जाता है कि जो आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा उसमें से मासिक आपकी कटौती की जाएगी। संदर्भ इस पत्र का लिखा गया है वित्त विभाग का संख्यांक आदेश दिनांक 25/5/22। इस आदेश से संबंधित वीडियो में पहले ही चैनल पर आपको उपलब्ध करवा चुका हूं, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। अब इसमें आगे हमें जानकारी दी गई है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की निरंतरता में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत प्रारंभिक से नियमानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। तो साथियों, अब आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ मैं आपको क्लियर करके भी समझाऊंगा। यहाँ आपको आपके जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो दिए गए हैं और इसी के अनुसार GPF अभिदान की राशि जो प्रत्येक मास आपके वेतन से या पारिश्रमिक से काटी जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। तो यहाँ मैं आपको कुछ जानकारियाँ क्लियर कर दूँ। जैसे यदि आपकी जो नियुक्ति है लेवल पे लेवल जो है आपका वो लेवल 1 से 7 के बीच बिलोंग करता है, तो आपका जो मासिक कटौती GPF में होगी वो 700 रुपये की होगी। और यदि आपका लेवल आता है कि लेवल 8 से 9 तक आपका है तो आपके जो मासिक वेतन से या पारिश्रमिक में से इसकी कटौती की जाएगी वो 800 रुपये प्रति माह की जाएगी। उसी तरह लेवल यदि आपका बिलोंग करता है लेवल 10 से लेवल 11 तक 1100 रुपये की आपकी प्रत्येक मास कटौती होगी। उसी के आगे यहाँ बताया गया है हमें कि यदि आपका लेवल 12 से लेवल 14 तक है तो आपकी 1400 रुपये की कटौती होगी। तो आप इस तरह से जो भी आपका पे लेवल है वो आप यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद आपके GPF में कितनी राशि काटी जाएगी वो जानकारी आप यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका कि प्रत्येक मास आपका जो पारिश्रमिक रहेगा उसमें से कितनी राशि आपकी काटी जाएगी। अब इस आदेश में हमें नीचे और निर्देशित किया गया है वो यहाँ बताया गया है माह अप्रैल 2022 एवं मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती मई 2022 के नियत पारिश्रमिक में से 1 जून 2022 को जो देय होता है से की जाएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी दोनों महीने की एक साथ कटौती होगी, वो आपके मई का जो वेतन आपको मिलेगा 1 जून 2022 को दे रहता है उसमें से ही कटेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रख लेना है कि दोनों महीने की कटौती आपकी होगी और GPF में ही होगी। इन कार्मिकों के नियत वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर GPF अभिदान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित GPF अभिदान के अनुसार ही की जाएगी। और जब आपका परीक्षा काल 2 वर्ष का होता है वो पूर्ण हो जाएगा तो जो आपकी कटौती होगी वो सभी साथियों की जो जैसे कि हमारी होती रहेगी उसी अनुसार उसी श्रृंखला के अनुसार आपकी भी कटौती होगी। इस में आगे हमें बताया गया कि इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है अभी ये प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो चुकी है GPF में कटौती की, इससे संबंधित आपके जो और अधिसूचना और आदेश है वो प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी और जानकारी यदि आपको अच्छी लगे हमारे अन्य साथियों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।